हेलो गाइस, आई एम हर्षप्रीत एंड वेलकम बैक टू हर मूवी रिव्यू बाय वीडियो नियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने कभी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर या पास्ट में जाने का सोचा है? और अगर सोचा है तो क्यों सोचा है? क्या आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं? तो शायद आप लोग को ये बात सुनकर मेरी आज की मूवी का जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसका हिंट तो मिल ही गया होगा। अब वो मूवी में क्यों टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं और मूवी में क्या होता है वो तो आप लोग देखकर ही पता करना। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं और मूवी की रिव्यू की तरफ चलते हैं। सो टुडेज रिव्यू वीडियो इज अबाउट अ साइंस फिक्शन एडवेंचर नाइजेरियन मूवी डे ऑफ डेस्टिनी विच वॉज रिलीज ऑन January 1, 2021 इन नाइजेरिया एंड वो आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। दिस मूवी इज द फर्स्ट एडवेंचर फैमिली नाइजेरियन मूवी एज वेल एज फर्स्ट नाइजेरियन टाइम ट्रैवलर मूवी विच इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय एके मेसन एंड अबोजगी ओगबा। दिस मूवी इज द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ अबोजी ओगबा विच स्टार्स ओलोमाइट ओवोरो, डेनोला ग्रे, नॉबर्ट यंग एंड टॉइन अब्राम इन द लीड रोल्स। सो द मूवी स्टार्ट इन अ वेरी क्लीशेड वे वेर अ कपल इज नरेटिंग देयर लव स्टोरी टू देयर चिल्ड्रेन वेर अ मैन एंड अ वुमन मीट अप एंड दे फॉल इन लव ओवर अ ड्रिंक कॉल्ड शैपमैन एंड लेटर दे कम इनटू द रियलिटी व्हेन नाउ द कपल इज मैरिड एंड हैव 3 children एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर ब्रोक सो ड्यू टू विच दे हैव टू मूव टू अ विलेज फ्रॉम देयर सिटी लागोस। And if we'll watch the movie, we'll see that the children is not very much happy about the shifting. While they were traveling towards their village, the couple's first son, Shidi, which is played by Olamide Ovoro, falls into an argument with his father about his career, which almost caused the whole family a car accident. The car breaks down. Then the mother asks her two boys, Shidi and Rotimi, which is played by Danilo Grey, to search for a mechanic. And while they were searching for a mechanic, they find an abandoned mansion in the middle of nowhere. Shidi and Rotimi goes into the abandoned mansion where they encounters Baba Yaro, a very comical, precarious yet an important role of the story, which actually brings the twist into the plot. And this is when Baba Yaro proposes the two boys change of destiny. अब इसके बाद आगे क्या होता है वो तो मैं आप लोग को नहीं बताने वाली, वो आप लोग को जाके खुद देखना पड़ेगा बिकॉज इसके बाद मूवी का सस्पेंस है। बट आप लोग को एक बार दावे से कहूँगी कि इसके बाद की स्टोरीज काफ़ी एंटरटेनिंग एंड काफ़ी फन और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में। और अगर हम बात करें मूवी के राइटिंग सेटअप और इसके स्क्रीन प्ले के बारे में तो जितनी परफेक्ट मूवी की स्टोरी लाइन है उतने ही चेंजेस और इम्प्रूवमेंट राइटिंग सेटअप और स्क्रीन प्ले में हो सकते थे। बिकॉज अगर आप मूवी की स्टोरी सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगी और समझ में भी आ जाएगी। बट वेन वी विल वॉच द मूवी तो आप लोग को मूवी के सीन्स काफ़ी ज़्यादा क्योटिक दिखेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ने सीन्स को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी जो मे बी ऑडियंस के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकती है बिकॉज ऑडियंस को काफ़ी टाइम लगेगा वो सीन्स को समझने में। दिस मूवी ऑल्सो हैज लाइक कॉमेडी एंड ह्यूमर जिसके कारण ऑडियंस काफ़ी हद तक मूवी में इंगेज थी। एंड इसका क्रेडिट जितना ही राइटर्स को जाता है उतना ही ये मूवी के लीड एक्टर्स ओलोमाइड ओवोरो एंड डेनोला ग्रे को जाता है बिकॉज उनकी एक्टिंग के कारण मूवी में कॉमिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो पाया। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में और मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। दो दिस मूवी इज लूज एट स्क्रीन प्ले येट इट ऑफर्स यू अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सम यूनिकनेस एंड सम गुड एक्टिंग विच मेक दिस मूवी अ डिसेंट वॉच। सो ये मूवी आज ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, आप जाइए देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।